Good morning. Myself, Dr. Shweta Acharya from Government College, Kota. Today, we are going to discuss about electromagnetic spectrum. This topic is included in first unit of organic chemistry for second year students of Kota University. इस प्रेजेंटेशन में हम आज इंट्रोडक्शन वाला पार्ट लेंगे. आपने 11th और 12th में और फर्स्ट ईयर में भी लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप को पहचानने के लिए बहुत सारे टेस्ट किए हैं. आप जानते हैं कि उनमें कितना टाइम लगता है और साथ में बहुत सारा केमिकल्स भी वेस्ट होते हैं, और उसके पश्चात भी सिर्फ हमें ये ही पता लगता है कि दिए गए कार्बनिक यौगिक में कौन सा क्रियात्मक समूह है, और कई बार आप लोग गलत भी बता देते हैं उसमें से. और अगर आपको कहा जाए कि पदार्थ की आप स्ट्रक्चर पूरी बताओ, उसमें कौन सा ग्रुप कहाँ जुड़ा हुआ है, किस तरह से जुड़ा हुआ है, तो यानी कि पदार्थ की स्ट्रक्चर कैसी है, तो इसका तो आप इस मेथड से अनुमान नहीं लगा पाते. तो पदार्थ की स्ट्रक्चर ज्ञात करने के लिए शुरुआत में बहुत सारे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, डाइपोल मोमेंट आदि का उपयोग किया गया, लेकिन संरचना के संबंध में विस्तृत जानकारी हम उससे प्राप्त नहीं कर पाए. इन दिनों जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे यूजफुल टेक्निक है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर ज्ञात करने के लिए, दैट इज नोन एज स्पेक्ट्रोस्कोपी. ये मेथड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के एब्जॉर्प्शन और इमिशन पे बेस्ड है. इसे समझने के लिए हमें कुछ टर्म्स की जानकारी होनी आवश्यक है जो हम एक एक करके लेंगे. सबसे पहले, व्हाट इज स्पेक्ट्रम. जब सफ़ेद प्रकाश को किसी प्रिज्म या ग्रेटिंग से गुजारा जाता है तो ये अलग अलग कलर्स और वेवलेंथ के पार्ट्स में डिस्पर्स हो जाता है, विक्षेपित हो जाता है. तो कलर्स की इस स्कैटरिंग को ही हम स्पेक्ट्रम कहते हैं. नाउ व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी. साइंस की वह ब्रांच जिसमें किसी भी अननोन कंपाउंड का स्पेक्ट्रम प्राप्त करके उसका एनालिसिस किया जाता है जिससे कि हम उसकी स्ट्रक्चर ज्ञात कर सकें, दैट इज नोन एज स्पेक्ट्रोस्कोपी. और स्पेक्ट्रोस्कोपी में होता क्या है कि जो भी मैटर होता है, पदार्थ होता है जिसकी स्ट्रक्चर हमें ज्ञात करनी हो, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बीच में इंटरेक्शन होता है. अब हम बार बार बोल रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. नाउ वी विल सी व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. लाइट जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से मिलकर के बनी होती है, और इसका डुअल नेचर होता है. सबसे पहले मैक्स प्लैंक ने ये बताया, क्वांटम थ्योरी दी रेडिएशंस की. इसके अनुसार लाइट जो है वो एनर्जी के पैकेट्स के रूप में होती है जिसे हम क्वांटा या फिर फोटोन कहते हैं. इनकी ऊर्जा, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य, इनके बीच में मैक्स प्लैंक ने एक रिलेशन दिया, इसे हम प्लैंक इक्वेशन के रूप में जानते हैं, दैट इज ई इक्वल्स टू एच म्यू. एंड वी नो दैट म्यू जो है, दैट इज फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्ब्डा. सो वी कैन से दैट ई इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्ब्डा, वेयर एच इज प्लैंक कॉन्स्टेंट एंड द वैल्यू ऑफ प्लैंक कॉन्स्टेंट इज 6.62 × 10⁻³⁴ जूल सेकेंड. हेयर सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. म्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन एंड लैम्ब्डा इज वेवलेंथ. द यूनिट ऑफ वेवलेंथ इज एंगस्ट्रॉम, दैट इज 10⁻¹⁰ मीटर वी कैन से. यहाँ हम देख रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के डिफरेंट रीजन्स देख रहे हैं जिसमें कि वेवलेंथ जो है वो बढ़ते हुए ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है. ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्टार्ट हो रही है आपकी कॉस्मिक रेज से, देन उसके बाद बढ़ते हुए वेवलेंथ की तरफ हम जाएंगे. कॉस्मिक रेज के बाद में आता है गामा रेज, देन एक्स रेज, देन अल्ट्रावायलेट रेज दैट इज यूवी, विजिबल, आईआर, माइक्रो रेडियो. दीज आर द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन इंक्रीजिंग वेवलेंथ. यहाँ हम देख रहे हैं कि जो विजिबल लाइट है
विजिबल लाइट भी जो है वो 7 कलर से मिलकर के बनी हुई है, विबग्योर जिसे हम कहते हैं, और 400 नैनोमीटर से स्टार्ट होकर के 400 टू 800 नैनोमीटर तक यहाँ इसका रीजन है। अब आप कहेंगे कि हम सिर्फ और बाकी लाइट्स को क्यों ही देख पा रहे हैं, ओनली विजिबल लाइट्स को ही हम देख रहे हैं, बिकॉज हमारी जो आईज हैं वो सिर्फ विजिबल लाइट्स को देखने के लिए ही सेंसिटिव हैं, और जो हम लाइट देख रहे हैं उसके पहले और बाद में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पूरा एक रीजन है जो कि मैंने आपको बताया, कॉस्मिक रेज से स्टार्ट हो रहा है और इसके बाद में रेडियो वेव्स तक ये जा रहा है। इन डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का यूज़ जो है वो डिफरेंट फील्ड्स में होता है, जैसा कि आप इस टेबल में देख रहे हैं, ये कॉस्मिक रेज से लेकर के रेडियो वेव्स तक टेबल बता रही है, जिसमें लैम्ब्डा जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और आपने जैसा कि प्लैंक इक्वेशन में देखा था ई इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्ब्डा, तो अगर लैम्ब्डा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो इन रेडिएशन की एनर्जी जो है वो कम होती जाएगी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप देख रहे हैं कि एनर्जी घटती जा रही है, और फ्रीक्वेंसी भी जो है वो E इक्वल्स टू एच म्यू, एनर्जी कम है तो इनकी फ्रीक्वेंसी भी जो है वो कम होगी, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है लैम्ब्डा की। आप देख रहे हैं कि एक्सरे जो है, एक्सरे का यूज़ आप सब लोग जानते ही हैं, मेडिकल में कितना ज़्यादा एक्सरे का यूज़ है, एक्सरे जो है आप जाते हैं डॉक्टर के पास में, कई बार आप अपना एक्सरे खिंचवा करके लाते हैं, ये जो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री में और कैंसर के ट्रीटमेंट में इसका यूज़ है। इसके बाद में यूवी रेज विजिबल रेज और इंफ्रारेड वेव जो हैं ये हमारे कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स के लिए बहुत ही ज्ञात करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अल्ट्रावायलेट जो है वो मॉलिकुलर स्ट्रक्चर के लिए, उनकी स्टडी के लिए उपयोगी है। विजिबल रेज जो है वो क्रोमेटोग्राफी में, और हम जो देख रहे हैं वो विजिबल रेज में ही देख रहे हैं। आईआर वेव्स जो है वो फिजिकल ट्रीटमेंट और मॉलिकुलर स्ट्रक्चर की स्टडी में, इसी तरह से माइक्रो और रेडियो वेव्स के, रेडियो वेव जो है वो टेलीविजन और कम्युनिकेशन इन सब के लिए उपयोग में ली जाती हैं। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा, दे आर टू टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा, फर्स्ट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एंड अदर इज एमिशन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जैसा कि नाम से पता है अवशोषण स्पेक्ट्रा, इसमें क्या करते हैं कि किसी भी सोर्स से जो लाइट हमें प्राप्त होगी उस लाइट को हम किसी एब्जॉर्बिंग मीडियम में पास करेंगे, और इसके बाद जो ट्रांसमिटेड लाइट है उसका हम एनालिसिस करेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा, तो जो भी स्पेक्ट्रम हमको मिल रहा है दैट इज नोन एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इस तरह के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या मिलेगा, हम कह रहे हैं कि कुछ लाइट का एब्जॉर्प्शन हो जाता है तो एक बिल्कुल चमकता हुआ ब्राइट बैकग्राउंड होगा जिसमें डार्क लाइंस हमें दिखाई देगी, ब्लैक लाइंस हमें दिखाई देगी। ब्लैक लाइंस क्यों आएगी, क्योंकि ये रेडिएशंस मीडियम के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली गई हैं, और अगर हम उस कंपाउंड को या उसको वापस गर्म करें मीडियम को तो हमें वापस वो एमिटेड रेडिएशन, अगर हम इससे गर्म करेंगे हमारे कंपाउंड को तो हमें फिर से वो एमिटेड रेडिएशन उसी ब्लैक लाइंस की जगह उसी वेवलेंथ पे दिखाई देंगी। दूसरी तरह का जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है दैट इज नोन एज एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट उस कंपाउंड को जिसकी हमें स्ट्रक्चर याद करनी है हम उसे गर्म कर देंगे, और गर्म करने के बाद जो भी रेडिएशंस निकल रही है, एमिट हो रही है, उसका हम स्टडी करेंगे, तो उसके द्वारा उसको हम स्पेक्ट्रोस्कोप से देखेंगे और उसका जो स्पेक्ट्रम होगा दैट इज नोन एज एमिशन स्पेक्ट्रम। ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो स्ट्रक्चर याद करने के लिए जिस स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग बहुत इम्पॉर्टेंट रूप से किया जाता है दैट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो हमारे लिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको एक जनरल स्पेक्ट्रोमीटर का डायग्राम यहाँ पर दिखा रहे हैं, इसमें सबसे पहले जो होता है वो लाइट का सोर्स होता है, इस लाइट सोर्स से हम एक रेडिएशन पास करते हैं कंपाउंड जो रखा हुआ है सैंपल ट्यूब में उसमें, तो उसकी रेडिएशन हम देखें कि पहले इनिशियल लाइट की वो जो इंटेंसिटी थी
दैट वाज आई जीरो, और कंपाउंड में से जब ये पास हो गई तो अब ट्रांसमिटेड लाइट की जो इंटेंसिटी है दैट इज आई, दोनों में डिफरेंस है। अब इस एमिटेड लाइट को हम एक निकोल प्रिज्म से पास करते हैं, दैट इज नोन एज मोनोक्रोमेटर और एनालाइजर, और उसके बाद में हम इसका स्कैनिंग करके डिटेक्टर से उसके बाद इसे रिकॉर्ड करते हैं स्पेक्ट्रा को। तो ये इसकी एक जनरल टेक्निक है। अब किसी भी कंपाउंड का स्पेक्ट्रम अगर हमें डिटेक्ट करना हो तो क्या करते हैं, उस कंपाउंड को हम उसमें सैंपल सेल में ले लेते हैं, जो कि लिक्विड फॉर्म में या फिर सॉल्यूशन स्टेट में लिया जाता है। जो सैंपल सेल होती है वो ऐसे मटेरियल की बनी होनी चाहिए जो कि हमारे सोर्स से जो रेडिएशन आ रही है उससे वो एब्जॉर्ब नहीं करें, क्योंकि हमें सिर्फ क्या करना है, मैटर की या हमारे कंपाउंड की स्ट्रक्चर याद करनी है। तो बाहर का जो भी सैंपल सेल का मटेरियल है वो उस लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर सके, ये हमें इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए सैंपल सेल का जो मटेरियल होता है वो डिफरेंट होता है। विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए हम लेते हैं इसे ग्लास का, क्योंकि विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो भी वेवलेंथ है उसे ये ग्लास एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। फॉर यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी ये सैंपल सेल बनी होती है क्वार्ट्ज की, और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए ये बनी होती है एल्कली मेटल्स के हैलाइड का हम यूज करते हैं, ठीक है। अब जो रेडिएशन हम डालते हैं वो कोई सेलेक्टिव वेवलेंथ की रेडिएशन डालते हैं लाइट सोर्स से, और उसे फिर हम जो है सैंपल सेल से प्रवाहित करते हैं जो हम जिसमें हमारा कंपाउंड है। सपोज जो इंटेंसिटी है इस इंसिडेंट रेडिएशन की दैट इज आई जीरो, तो इंसिडेंट रेडिएशन का कुछ पार्ट जो है वो इस कंपाउंड के द्वारा जो कि हमारे सैंपल सेल में भरा हुआ है एब्जॉर्ब हो जाता है, तो ट्रांसमिटेड लाइट जो है उसकी इंटेंसिटी है आई। अब ये लाइट जाती है आपके मोनोक्रोमेटर में, मोनोक्रोमेटर या एनालाइजर जो है वो एक प्रिज्म है या फिर एक ग्रेटिंग है, जो कि वो भी डिपेंड करता है अलग अलग रेडिएशंस की किस वेवलेंथ का आप यूज़ कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कौन सा आपने एनालाइजर लिया है। डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम इसे अलग अलग लेंगे। इसके बाद में ये रेडिएशन जो है वो जाती है कहाँ पर, डिटेक्टर पे। डिटेक्टर पे जो ये रेडिएशन आती जाती है वहाँ पर इनका क्या होता है, अलग अलग वेवलेंथ का स्कैन होता है, तो ये प्रोसेस कहलाता है स्कैनिंग। इसके बाद में डिटेक्टर से ये जाती है रिकॉर्डर पे, जिसका पहले एम्पलीफिकेशन होता है, और एम्पलीफिकेशन के बाद में एक डायग्राम वहाँ पर बनता है। वो किसके बीच में बनता है, एब्जॉर्बेंस या फिर एब्जॉर्प्टिविटी दैट इज लॉग एप्साइलन और वेवलेंथ के बीच में, और ये आता है पीक की फॉर्म में। तो ये जो पीक की फॉर्म में डायग्राम आता है दैट इज नॉन एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ दैट सैंपल। तो उस सैंपल का आपके पास में अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आ गया, और किस तरह का स्पेक्ट्रम आएगा ये डिपेंड करेगा कि आपके कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसा है। और इस वेवलेंथ का जो हमारे पास ग्राफ आया है, एब्जॉर्ब लाइट का जो ग्राफ आया है, उसे देख करके हम अननोन कंपाउंड को डिटेक्ट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो दिस वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी। थैंक यू।